प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी के कठिन समय में हर जरूरतमंद को सम्मान के साथ भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। आज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प कि कोई गरीब भूखा ना रहे के अनुरूप मध्य प्रदेश में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलने वाले नियमित राशन के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 5 किलो गेहूं और चावल भी प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जरूरतमंदों की पहले से स्थापित 24 श्रेणियों को बढ़ाते हुए जून 2021 से इस सूची में 4 अन्य श्रेणियों को शामिल कर कुल 28 श्रेणियों के साथ मध्य प्रदेश अब देश में प्रथम स्थान पर है। देश के किसी भी लाभार्थी को राशन के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए मध्य प्रदेश में भी वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत देश के पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश की किसी भी शासकीय उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब तक 3 अलग-अलग चरणों में 4,70,00,000 लाभार्थियों को कुल 38,76,000 मीट्रिक टन निशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। मैं बाहर काम करता हूं। इस कोरोना काल में जब मैं अपने घर आया, मैं राशन की दुकान पे गया तो मुझे आसानी से राशन मिल गया। मैं अपने राशन कार्ड पे किसी भी सरकारी दुकान पे जाके गल्ला ले सकता हूँ। ये सुविधा सरकार ने अच्छी की है। गेहूँ मिलने लगे, 1 जने को 5 किलो, 2 जने हैं हम, 2 जने को 10 किलो फ्री अनाज मिलता है। मोदी जी ने 5 किलो 1 आदमी को फ्री कर दाओ, तो ऐसे 4 आदमी है तो 20 किलो हो गया। घर बैठे हमें सरकार ने अनाज दिया, गरीबी में साथ दिया मोदी जी ने हमें। गरीबों के बारे में सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद। हर जरूरतमंद को सम्मान के साथ भोजन और पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है।